नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, हमारी नेशनल मेरिट मीन स्कॉलरशिप 2019 एग्ज़ाम की सीरीज चल रही है, जिसके तहत मैं आज मैथ यानी गणित का वीडियो नंबर 5 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने मैथ के 4 और बहुत सारे सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस के भी, ज्योग्राफी के भी और हिस्ट्री के भी वीडियो डाले हैं। आपने नहीं देखे तो उस वीडियो का आई बटन में आपको नेशनल मेरिट मीन स्कॉलरशिप यानी NMS एग्ज़ाम 2019 एग्ज़ाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने में सबसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने पर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और यहाँ पर आपको NMS एग्ज़ाम की पूरी सीरीज कराई जाएगी। देखिए दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए क्या -3/1 परिमेय संख्या है। हाँ दोस्तों, -3/1 परिमेय संख्या है, लेकिन ये माइनस का चिन्ह इसलिए, ये कैसी संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए क्या -3 और -5 एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, यानी ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है और प्रत्येक भिन्न क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं को लिखिए जिनमें अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी एक में ऋणात्मक पूर्णांक अंश हो और हर धनात्मक हो। जैसे ये -2, -3, -11 ये सब क्या है, अंश इनका क्या है, ऋणात्मक है, और 3, 4, 15 और ये क्या है, धनात्मक हर है। ठीक है, तो ये आ गया इसका एग्जाम्पल। अगला है, अंश एक धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक हो, उसका उल्टा, यानी 13, 2, 3 ये ऋणात्मक धनात्मक हो गए अंश, और यहाँ -17, -3, -5 ये ऋणात्मक है, हर हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो, तो ये रहा 3/8, 4/11, 9/9 धनात्मक है। अगला है, अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो, तो -2/3, -4/-5 और -12, -13 तो ये ऋणात्मक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 धनात्मक परिमेय संख्या बताई गई है, -2/3, 3/7 और 5/8 ये -3 धनात्मक परिमेय संख्या है। 2 ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखनी है, तो एक हो गया -3/-7 और एक हो गया -1/3। क्या -15/-1 धनात्मक परिमेय संख्या है? कारण बताओ। जैसे कि हम जानते हैं कि -15/1 ये 15/1 जो है अंश और हर दोनों धनात्मक है, यहाँ ये क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या -7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या? हम जानते हैं कि -7 ऋणात्मक तथा 1 धनात्मक पूर्णांक आते हैं, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये धनात्मक संख्या नहीं होगी, ये ऋणात्मक परिमेय होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 10 सवाल जो हैं वो परिमेय से संबंधित है, मैंने आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।